को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। वो सही जगह के लिए होके चौरा पे स्टेम आप जब स्कूमिंग करोगे, अभी मैं करके बताऊं तो पेपर मूव होने के चांसेस होते हैं, पेपर ब्लर हो जाती है आपकी। एडिशन लेने के काम आता है क्या? हां, जैसे एडिशन ले पर यानी कि एक प्रिंट आ जाए तो हां बार-बार ये प्रिंटिंग इंक होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग इंक यूज कर रहे हैं यूजुअली। अभी हम लोग इसके लिए स्पेशल प्रिंट इंक भी बनाते हैं, बनती है, पर वो बहुत ही कम अवेलेबल है इंडिया में, इसलिए सब लोग ऑफसेट प्रिंटिंग जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स की होती है वो यूज करते हैं। इसको स्पैचुलास बोलते हैं और ये इंक है, इंक निकालने के लिए होती है इसलिए रोलर। रोलर से आप इंक अप्लाई करेंगे जो भी है, पहले आपको इंक को बहुत स्मूथ करना होता है। अगर इंक की डेंसिटी गाढ़ी है तो आप लिक्विड ऑयल मिला के उसको थोड़ा लूज करते हैं इंक को और फिर अप्लाई करते हैं रोलर से। ये इंक ऑयल बेस्ड होते हैं? ऑयल बेस्ड, ऑयल बेस्ड। और हमेशा अपने हाथ बहुत क्लीन, अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, बट आपको पूरा पेपर पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि कितना बड़ा पेपर है और कितने साइड से आपको कहाँ स्पेसिंग छोड़नी है। लाइक दैट आप अपना ये रख लीजिए इसके ऊपर, अब पेपर हिलना नहीं चाहिए, अगर हिला तो फिर मूव हुआ तो शेप हिला हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने किया तो अब मैं जो रजिस्ट्रेशन की बात करी थी, जहाँ पे मैंने होल्स बनाए अपने होते हैं वहाँ पे पिन करना होगा। और फिर इसको स्पूनिंग बोलते हैं, स्पून करके आपको घिसना होगा तो आपका जो इम्प्रेशन है आपके बूट पे वो पेपर पे आ जाएगा। एक क्लीन रोलर रख के अपन इसको ऊपर से नहीं कर सकते, क्लीन रोलर लेके पर इतना प्रेशर नहीं दे सकते, नहीं पाएगा आपका रोलर एंड सारा लिफ्ट नहीं हो पाएगा जो भी आपके आपने इंग्रेज किया है। इसके लिए स्पूनिंग करना होता है या फिर पेपर बड़ा वुड है तो हाँ पेपर कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर बुजी भी यूज़ कर सकते हैं ना, बट वी नॉर्मली डू दिस इज द बेस्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोसेस टू डू प्रिंट मेकिंग, तो हम स्पून करना प्रेफर करते हैं। हाँ, फर्स्ट प्रिंट जो होती है यूजुअली उसको हम प्रूफ बोलते हैं, आर्टिस्ट प्रूफ, दैट इज़ AP। कहीं पे अगर आपने पढ़ा लिखा देखा होगा अगर ग्राफिक प्रिंट्स में, तो AP मतलब आर्टिस्ट प्रूफ, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट प्रूफ। आर्टिस्ट प्रूफ लाइट है बहुत, और आर्टिस्ट प्रूफ इसलिए भी होते हैं क्योंकि कभी कभी मास्टर प्रिंटर्स आर्टिस्ट के प्रिंट्स प्रिंट करते हैं। लाइक इंडिया में तो बहुत ही कम एडिशंस बना रहे हैं हम लोग, लेकिन अब्रॉड में लोग 300 या 500 का एडिशन बनाते हैं। सो मास्टर प्रिंटर्स क्या करते हैं, आर्टिस्ट बता देते हैं आर्टिस्ट प्रूफ निकाल के कि ऐसा प्रिंट चाहिए, एंड देन जो उनके मास्टर प्रिंटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम 200 या 300 निकाल के देते हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग कि आर्टिस्ट प्रूफ इज़ फ्रॉम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ने खुद निकाला गया है वो, दैट इज़ अनदर वैल्यू, मतलब अब्रॉड में उसकी काफ़ी वैल्यू होती है क्योंकि आर्टिस्ट ने बनाया होता है। मैम मतलब पेपर नीचे करके वुड ऊपर करके काम नहीं कर सकते? क्यों? आप उसका रजिस्टर कैसे करोगे आप और घिसोगे भी कैसे, वुड को घिसोगे? मतलब लाइक यू नीड पेपर ना घिसने के लिए। इसको इक्वल प्रेशर देना पड़ेगा, अगर आपने अपना प्रेशर कम या ज़्यादा किया तो आपका लाइट या डार्क आएगा फिर, इसलिए आपको आप जैसा प्रेशर और एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा अपना स्पून, और आपको अपना प्रेशर भी एक ही रखना पड़ेगा पूरे थ्रू आउट द वुड। ये तो काफ़ी छोटा है पर जितने बहुत बड़े बड़े वुड पे भी हम लोग काम करते हैं तो उसका प्रेशर का भी ध्यान रखना पड़ता है। लाइट है और आपको ब्लैक तक जाना है, सो लाइट से डार्क यूजुअली सारे आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं कि लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। तो लाइट कलर आपने ले लिया, फिर दोबारा आपको सेम पैनल को फिर से कट करना पड़ेगा, फिर से आप दूसरा थोड़ा डार्क कलर लेंगे उससे, तो उसके ऊपर लेयर मतलब लेयर वाइज ठीक है। हाँ, लेयर आएगी एक के ऊपर एक, तो कलर चेंजेस भी होंगे क्योंकि ऑब्वियसली येलो के ऊपर कोई और कलर आएगा। अगर अब आपको एक और सेकंड कट करना है तो आप फिर से कट करेंगे अपने वुड को जहाँ जहाँ पे भी,
तो ये कलर रहेंगे ये दो मतलब वाइट लाइंस एंड देन अनदर कलर विल इंट्रोड्यूस इन योर. तो ये था वुड इन ग्रे. फिर से कट करना मतलब समझ नहीं आया. सेकंड कलर के लिए अगर आपको सेकंड कलर चाहिए फॉर एग्जांपल ये ब्लैक नहीं है बेबी पिंक है इमेजिन करो सब. अभी मैंने अधूरा छोड़ने का मन करता Thank you.
बलराम सर, अरे तू ये लगा लगाना ले गए पावा ले गए तनिष्का।